वास्तविक बात क्या है और अखबार में आए हुए हुई बात क्या है, अलग अलग है। तो अपनी मर्जी के अनुसार समाचार तैयार करते हैं, उसमें वास्तविकता है या नहीं उसके बारे में वे सोचते नहीं, वहां भी उनकी स्वार्थता ही उभर आती है। यही तो आज की अवस्था है। इसलिए कहते हैं आजकल खबरें बनाई जाती है, बताई नहीं जाती। तो बनाई जाने से खबरें बनाने से उसमें सच्चाई का भाग बहुत कम होने की संभावना है। और एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है, अगर मां बाहर ना आती तो क्या होगा, तो चिंता करने की बात है। इस पर विविध दृष्टि रखने वाले लोगों को विविध मत होगा जरूर। देखिए, ये तो संगरी गंदी गली का बच्चा है। गंदी गली का बच्चा गिरना स्वाभाविक है, तो बच्चे गिरते हैं, कुछ देर रोते हैं, कोई उनकी ओर ध्यान न देते तो कुछ देर बाद वे उठ चले जाते हैं। ये तो स्वाभाविक रूप से चलते हैं, गली में ही नहीं, हमारे यहां भी, हमारे गांव में भी, शहरों में भी कोई बच्चा फिसल कर गिर पड़े तो मां बाप आकर उसे उठा ले जाते हैं, नहीं तो वहां कुछ देर पड़ा रहता, फिर उठ जाता। मेरा विचार है इसी प्रकार यहां भी हुई होगी, माने मां बाहर ना आती तो क्या होता, यह हमारा प्रश्न है, सवाल है। बच्चा स्वाभाविक रूप से गिरता है, चलते वक्त फिसल कर गिरता है, थोड़ी देर रोता रोता वहां पड़ा रहता है, उसके बाद वह उठ चला जाता। तो दूसरे की दृष्टि में इसका जवाब दूसरा होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा हम बता नहीं सकते, हर एक की मानसिक अवस्था के अनुरूप इस जवाब के उत्तर में भी बदलाव होगी। देखिए, इस कविता भाग से हमारी SSLC परीक्षा में पूछने लायक कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करें। देखिए, एक प्रश्न शायद ऐसा पूछा जाएगा, यह बात फैलते फैलते अखबार वालों तक इस तरह पहुंची कि किसी ने नगर की संगरी गंदी गली में रोता हुआ बच्चा छोड़ दिया है, समाचार पत्र में यह समाचार कैसे आया होगा, लिखें। तो समाचार तैयार करने के लिए है यह प्रश्न। हम क्लास में विविध प्रकार के समाचार तैयार करके परिचित हैं, तो यह घटना एक समाचार पत्र में समाचार के रूप में कैसे तैयार करें, इस पर हम विचार करें। तो समाचार पत्र तैयार करते वक्त ध्यान देने की कुछ बातें हैं। उसके लिए उचित शीर्षक लिखना है, ध्यान देने की बात में पहला है उचित शीर्षक देना। तो शीर्षक उचित होना चाहिए, क्योंकि शीर्षक पढ़ने के बाद लोगों को इसमें रुचि बैठनी चाहिए कि नीचे की ओर बाकी वार्ता भी पढ़ें, इसके लिए उचित शीर्षक होनी चाहिए। तो दूसरी बात है, घटनाएं कब और कहां हुई इसका उल्लेख करें, माने स्थान का नाम लिखें पहले, कहां घटना खड़ी हुई है, किस स्थान पर घटना खड़ी हुई है उसका उल्लेख करें।
और तीसरी बात है घटनाओं को क्रमानुसार लिखें, क्रम रूप में जो घटना पहले खड़ी हुई है इस प्रकार, पहले तो शीर्षक को विकसित करके लिखना है, उसके बाद घटना को क्रमानुसार लिखना चाहिए। घटनाओं को क्रमबद्ध करते वक्त मुख्य घटनाओं को प्रथम स्थान देना चाहिए, पहले मुख्य घटनाओं को लिखने की जरूरत है। तो भाषा सरल होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए, बड़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं है, भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, और समाचार में सच्चाई हो, यह तो बहुत ध्यान देने की बात है। सच्ची घटना ही समाचार में आनी है, तो समाचार की घटनाएं सच्चाई में अधिक ध्यान देना चाहिए, समाचार में सच्चाई हो, यही तो ये लिखने की लिखते वक्त ध्यान देने की बातें हैं। दूसरा एक प्रश्न है, गंदगी में लिपटे बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने की हिम्मत किसी में नहीं थी, अगर आप वहां होते तो क्या करते, लिखें, ये तो प्रश्न है। तो बच्चा गंदगी गली में फिसल कर गिरा है, अनेक लोग उस बच्चे की रुलाई सुनकर वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन उस बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने की हिम्मत किसी में नहीं थी, अगर उस स्थान पर आप होते तो क्या करते, इसका उत्तर आपको ही देना है, क्योंकि आपका मंदवी ही यहां व्यक्त करना है, आपका विचार ही यहां व्यक्त करना है। देखिए, आपके स्थान पर मैं होता तो क्या करता, ये मैं बताना चाहता हूं। मैं इन लोगों के स्थान पर, मैं उस स्थान पर होता तो उस बच्चे को उठाकर छाड़ पोंछ कर उसको चूम कर उसको पहले मैं सुखा देता, फिर उसे नहा धोकर भोजन खिलाता, दवाइयां दिलवाते, आवश्यक है तो दवाइयां दिलवाती,